हमें हमेशा से ही समझाया गया है दैट द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क। जितना काम करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा। कॉमन विजडम के हिसाब से यही वो चीज है जो गरीब और अमीर इंसान को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। एक टाइप का इंसान आलसी होता है और वो काम करने से बचने के बहाने बनाता है और कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाता, जबकि दूसरे टाइप का इंसान हार्ड वर्किंग होता है और वो दिन रात अपना फोकस सिर्फ खुद के करियर पर रखता है और इवेंचुअली सक्सेसफुल बन जाता है। हाउएवर, रियलिटी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती और असलियत में सिर्फ आपकी मेहनत के बल पर आप सक्सेसफुल और फुलफिल्ड नहीं बन सकते। दुनिया हमेशा इफेक्टिव लोगों को रिवॉर्ड करती है, ना कि हार्ड वर्किंग लोगों को। असलियत में आप भी ये जानते हो कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अगले 5 सालों में सक्सेसफुल बनोगे या फिर अगले 10 सालों में, लेकिन आप ये 100% पक्का करना चाहते हो कि हाँ, आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। सिमिलरली, दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी चाहे बाहर से हार्ड वर्क पर बेस लग रही हों, लेकिन एक्चुअल में हर कोई बस काम को पूरा होते हुए देखना चाहता है। ज्यादातर जॉब्स में लेजी वर्क को एक्सक्यूज कर दिया जाता है अगर आप दूसरे एम्प्लॉयज से ज्यादा इफेक्टिव हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स की जॉब करते हो तो आपके एम्प्लॉयर को एक्चुअल में ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हफ्ते में कितने दिन और कितने घंटे काम करते हो। अगर आप अपनी टारगेट सेल्स को कंप्लीट कर रहे हो तो एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉयर आपको हमेशा इस चीज के लिए रिवॉर्ड करेगा। और तभी हार्ड वर्क की काउंटर आर्ग्यूमेंट भी यही होती है कि मेहनत तो गधा भी करता है। मेहनत एक्चुअल में सक्सेस की चाबी नहीं है। दुनिया में इतने सारे नेक और शरीफ लोग अपना दिन रात एक करके काम करते हैं ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो सके और उनकी फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। अगर हार्ड वर्क इक्वल सक्सेस का लॉजिक सही होता तो एक स्कूल के प्रिंसिपल से ज्यादा इनकम उसके पियोन की होती। यानी सक्सेस की इक्वेशन में अगर इफेक्टिव बनने की सही स्ट्रेटेजी ही ना हो तो आपकी सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर आप दिन में 15 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी बस पासिंग मार्क्स ला रहे हो, लेकिन अगर आप बस 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ही क्लास में टॉप करते हो तो सब लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप दूसरों से ज्यादा काम करते हो और आप उनसे कितने बेटर हो। वर्क हार्ड और काम करते रहो जैसी एडवाइस सिर्फ उन लोगों के केस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है जो एक्चुअल में कुछ काम नहीं करते। अगर आप पूरा दिन टीवी देखते हुए और इंटरनेट को यूज करते हुए वेस्ट कर देते हो तो ऑफकोर्स यू शुड वर्क हार्ड। कुछ करना कुछ ना करने से बहुत बेटर होता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी काफी कोशिश कर रहे हो नेक्स्ट लेवल पर जाने की, तो आपको ये बात अभी तक समझ आ चुकी होगी कि आपको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट और इफेक्टिव वर्क की जरूरत है। इफेक्टिव वर्क करने के 5 मेथड्स होते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट। ये एडवाइस उन लोगों के लिए भी बहुत काम की है जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। आपको शुरुआत में ऐसा काम करना है जो आपके नेचुरल टैलेंट्स के साथ अलाइंड हो। अमेरिकन ऑथर टॉम रैथ अपनी बुक आर यू फुली चार्ज में लिखते हैं कि अनलेस तुम्हारा गोल मीडियोकर बने रहना है, उन चीजों से शुरुआत करो जिनमें तुम पहले से अच्छे हो। ये रास्ता मैक्सिमम एफिशिएंसी का है। हर वो घंटा जो तुम अपने नेचुरल टैलेंट्स में इन्वेस्ट करते हो उसका तुम्हारी ग्रोथ पर एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। जबकि अपनी वीकनेसेस को ठीक करने पर लगाया आपका 1-1 घंटा, आपको ऐसा फील होगा जैसे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हो। जब हम अपने गोल्स की लिस्ट को नैरो डाउन करके बस उन्हीं कामों पर फोकस करना शुरू करते हैं जो हमारे करेक्टर के साथ अलाइंड है, तब इस एक्सेलेंस की परस्यूट में हमें अपना पैशन भी मिल जाता है और हम वो काम करने लगते हैं जो दूसरों के लिए एक्चुअल में काम है और हमारे लिए एक खेल। नंबर 2, स्ट्रेंथन योर वर्क मसल्स। जिस तरह से एक भारी वेट एक मस्कुलर इंसान के लिए उठाना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनकी कोई मसल्स नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही उन लोगों के लिए कम समय में ज्यादा काम करना आसान होता है जिनके मन में वर्क मसल्स टाइम के साथ साथ स्ट्रांग हो चुकी होती हैं। यहाँ पर हम आपके माइंडसेट की बात कर रहे हैं। लेजी लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर करके ही अपने काम को इतने लंबे समय तक लटकाए रखते हैं कि उनका काम जल्दी से खत्म होने के बजाय एक लंबे समय तक उन्हें टॉर्चर करता और उन्हें मेंटली ऑक्यूपाई करे रखता है। ऐसे लोग पूरे दिन काम करते दिखाई देते हैं लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए अपने हर गिवन टास्क को जरूरत से ज्यादा हार्ड मत बनाओ उसे डिले या फिर मिसमैनेज करके। नंबर 3, डू डीप वर्क। अमेरिकन प्रोफेसर कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में पहली बार इस टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। डीप वर्क का मतलब होता है कि आप अपना सारा जरूरी काम एक डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के साथ करो, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को उनकी लिमिट्स तक पुश करने के लिए। इस तरह का एफर्ट वैल्यू भी क्रिएट करता है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है और आपको इररिप्लेसेबल बना देता है। डीप वर्क में एंगेज करने के लिए अपने वीक में कई डेज या फिर अपने दिन में कई घंटे ऐसे प्लान करो जिनमें आप किसी भी तरह का शैलो वर्क नहीं करोगे, जैसे सोशल मीडिया यूज करना, टीवी देखना या फिर कोई और आसान काम करना। अपने मुश्किल टास्क को अलग अटेंशन और प्रायोरिटी दो। ऐसे आप खुद को धीरे धीरे फोकस करने और कम टाइम में ज्यादा टास्क कंप्लीट करने के लिए ट्रेन करते हो।
नंबर 4, ऑलवेज बी एट पीस विद इन योरसेल्फ। आपका शरीर और दिमाग सिर्फ तभी अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाते हैं जब आप अंदर से जॉयफुल, पीसफुल और रिलैक्स रहते हो। चाहे आपका काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, हमेशा खुद को अंदर से शांत रखो। उस सिचुएशन की जल्दबाजी में अगर आप भी इम्पेशेंट हो गए तो इसका असर सीधा आपकी प्रोडक्टिविटी पर दिखेगा और आपके काम की क्वालिटी भी कम हो जाएगी। दुनिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर्स में से एक राफेल नडाल बोलते हैं कि हेल्दी रहो और काम करो, लेकिन काम से भी जरूरी काम करते हुए खुश रहो। चाहे तुम कम्पीट करते हो या फिर बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हो, सिंपली इंजॉय करो और अपना बेस्ट एफर्ट दो। नंबर 5, ओनली डू व्हाट इज नेसेसरी। मैंने ये मैसेज कई बार आपके साथ ट्विटर पर भी शेयर करा है और अगर आप ब्रह्मांड के सबसे बेसिक रूल्स को ऑब्जर्व करो तो आप भी इस बात से अग्री करोगे कि काम के बारे में इतना सोचने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों हम सिर्फ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क या फिर इफेक्टिव वर्क में से किसी एक तरीके को चूज करें? ऐसे इसलिए क्योंकि हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपको नहीं पता कि अगले ही मोमेंट में आपको अपने किस टूल की जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से सिर्फ वो काम करो और उतना ही काम करो जितना जरूरी है। देखो कि किस सिचुएशन की क्या डिमांड है और क्या आप उससे ज्यादा या फिर कम काम कर रहे हो। इस तरह की सोच आपको प्रोडक्टिव तो बनाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप इस दिशा में चलकर स्पिरिचुअली भी ग्रो कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आप खुद को दुनिया की डुअलिटी में नहीं फंसा रहे। आप जरूरत पड़ने पर कभी दिन के 20 घंटे भी खुश रहकर काम कर रहे हो और कभी आप बस एक दो घंटा ही काम करते हो और रिलैक्स करते हो। अगर आपकी फैमिली पैसों के लिए स्ट्रगल कर रही है तो आप शांत रहकर 2-3 जॉब्स साथ में लोगे और इस सिचुएशन को वाइजली हैंडल करोगे। और जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे तब आप अगेन बस उतना ही काम करोगे जितना जरूरी है। आई होप आपको इस बात की गहराई समझ आई हो और आप अब काम करने को एक डिफरेंट नजर से देखोगे।